ओके तो स्टार्ट करते हैं। DBWA करना आगे काम करना है, मतलब आगे काम करना चाहिए कि अब DBWA कवर करना स्टार्ट करेंगे। और DBWA में बेसिकली क्या है कि इट इज़ अ वल्नरेबल वेब सर्वर या वेब एप्लीकेशन जिसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एक और टूल देखेंगे, लेट्स सी। टूल का नाम है बब सूट, ये तुम्हारे काली में प्री इंस्टॉल्ड आता है। चलो DBWA ओपन कर लेते हैं। इस तरह से वार्निंग आती है बर्फ केस में कि योर JDK अपीयर्स टू बी, तो उसको सिंपली ओके कर दो। ठीक है, वार्निंग का कुछ नहीं करना। यहाँ कुछ सेटिंग वेटिंग कुछ चेंज नहीं करनी, उसकी कम्युनिटी एडिशन है फ्री है तो उसमें हम चेंज कर भी नहीं सकते। नेक्स्ट स्टार्ट बर्प। अब बर्प क्या होता है, एक इंटरसेप्टिंग प्रॉक्सी है बर्प सूट। इंटरसेप्टिंग प्रॉक्सी का मतलब होता है कि बर्प को हम इस तरह से यूज करते हैं कि इट सिट्स बिटवीन योर ब्राउजर एंड द इंटरनेट, मतलब कि एक प्रॉक्सी है तो मैं ब्राउजर से कोई भी अगर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मैं उसको बर्प सूट में उस रिक्वेस्ट को कैच करके उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। तो सारी डिटेल्स देख सकता हूँ क्या रिक्वेस्ट में क्या उसके पैरामीटर्स हैं, कुछ चेंज करना है चेंज कर सकता हूँ, एडिट करना है एडिट कर सकता हूँ आराम से। तो अब मैंने ये बर्प स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या ये कह रहा है, प्रॉक्सी सर्विस स्टार्टेड ऑन 127.0.0.1:8080। बाय डिफॉल्ट हमेशा ये इसी पोर्ट पे चलता है और इसको चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट लेट इट रन, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और अब लेके ना मुझे अपने ब्राउजर को भी बताना पड़ेगा कि भाई इस चीज़ को कैसे यूज करो। तो अच्छा, आई वुड रिकमेंड कि इस काम के लिए कभी भी वेब एप्लीकेशन हैकिंग वगैरह कुछ करना है या वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग करनी है और बर्प यूज़ करना है साथ में, उसके लिए ऑलवेज यूज़ फायरफॉक्स, ये क्रोम रिलायबल नहीं है इस चीज़ के लिए।
या तो क्रोम प्रिफर मत करना, फायरफॉक्स यूज करो। एंड नॉर्मली तो क्या है, जब भी मुझे प्रॉक्सी यूज करनी होगी, या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं सेटिंग्स में जाऊँ, इसकी प्रॉक्सी सेटिंग्स में जाके और बार बार चेंज करूँ कि अभी मुझे प्रॉक्सी यूज करनी है अभी नहीं करनी, बट ये थोड़ा सा टाइम इसमें बर्बाद होता है। तो इट इज़ बेटर कि एक एड ऑन आता है फॉक्सी प्रॉक्सी नाम का, इसको सर्च करो गूगल में जस्ट फॉक्सी प्रॉक्सी, एंड ये फॉक्सी प्रॉक्सी स्टैंडर्ड ये एड ऑन है, ब्राउजर एड ऑन, इसको इंस्टॉल करो, मेरे पास है ऑलरेडी, तो उसको इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा ये वाला जो आइकन है फॉक्सी प्रॉक्सी का। अब इसमें क्या है, सबसे पहले एक बार सेटिंग ऐड करनी पड़ेगी बर्ब सूट के लिए, तो यहाँ ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस में जाके ऐड ऐड में नाम कुछ भी दे दो, जैसे मैंने बर्ब दिया हुआ है बर्ब दे सकता हूँ, प्रॉक्सी टाइप HTTP, IP एड्रेस यहाँ पे रहेगा 127.0.0.1 जो लूपबैक IP होता है लोकल होस्ट के लिए, पोर्ट जो मैंने बताया था अभी 8080, यूजर नेम पासवर्ड कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो मेनली ये सेटिंग देनी है IP और पोर्ट की, और फिर इसको सेव कर दो। तो इससे फायदा ये है कि बार बार सेटिंग में जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, जब भी प्रॉक्सी यूज करनी होगी बर्प यूज करना होगा, सिंपली यहाँ पे गए, ये बर्प के नाम से तुमने सेटिंग लगा रखी है, इस पे आ गए और जब नहीं यूज करना तो टर्न ऑफ कर दिया, तो सिंपल एक स्विच की तरह ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे DBWA खोला तो इसमें पासवर्ड लगता है बाय डिफॉल्ट एडमिन और पासवर्ड, ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड पासवर्ड सिंपली, ये डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन है इससे। क्यों सर पासवर्ड PASSWORD या PSWORD क्या नहीं, स्पेल जो क्या पासवर्ड है PASSWORD, जो पासवर्ड वर्ड है वही है। एडमिन और पासवर्ड दैट इज योर कॉम्बिनेशन, वो डालोगे लॉगिन करोगे इस तरह से, वेलकम टू DBWA। अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में एक लिस्ट दी हुई है वल्नरेबिलिटीज की, ये लिस्ट है, तो इस लिस्ट के हिसाब से हम लोग देखेंगे वल्नरेबिलिटीज किस हिसाब से हम लोग टारगेट करते हैं। जस्ट इसमें जस्ट चेक वन थिंग, यहाँ पे अब सबसे पहले आते हैं ब्रूट फोर्स पे। ब्रूट फोर्स मतलब कि पासवर्ड अटैक करना वेबसाइट पे, मतलब कि यू आर ट्राइंग टू लॉग इन एज अ यूजर, तुम कोशिश कर रहे हो जानने की कि उसका पासवर्ड क्या है, तो तुम ब्रूट फोर्स अटैक कर रहे हो वहाँ पे। अब प्रॉपरली यूजली तो हम लोग क्या करते हैं कि डिक्शनरी अटैक करते हैं, बट इसको जो वल्नरेबिलिटी है उसको ब्रूट फोर्स लॉगिन ही यूजली कहा जाता है। तो अब जो है सबसे पहले क्या करते हैं कि, अच्छा यूजर नेम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एडमिन, और पासवर्ड कुछ भी रैंडम हम ले रहे हैं। अब एक्चुअली तो ये वही है एडमिन पासवर्ड, जो हमारा अकाउंट का एडमिन अकाउंट का जो यूजर नेम है वही है यहाँ पे, और उसमें क्लिक कर रहे हैं अपन लॉग इन पर, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है कुछ भी रैंडम पासवर्ड डालने से। तो यूजर नेम एंड और पासवर्ड इनकरेक्ट, ठीक है। अब इसको बर्प सूट में बात कर रहा था बर्प सूट की, तो इसकी मदद से क्रैक करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे ये बर्प वाली जो सेटिंग है उस पर आ जाओ, प्रॉक्सी प्रॉक्सी में कुछ भी रैंडम मैंने पासवर्ड डाल दिया, और इसमें बर्प सूट में ये जो प्रॉक्सी वाला टैब है इस पे आओ,
और ये इंटरसेप्ट ऑन होना चाहिए, इंटरसेप्ट इज ऑन, ये है। अब मैं क्लिक करता हूँ लॉग इन पे, तो अब देखना जो रिक्वेस्ट है वो क्या ब्राउजर से निकल के बर्प के पास गई, और अब बर्प ने उसको अभी आगे तक फॉरवर्ड नहीं किया है, इसलिए ये देखो अभी तक लोडिंग है, क्योंकि सामने जो सर्वर है उस तक गई ही नहीं है रिक्वेस्ट, तो रिप्लाई कैसे देगा उसका, जब तो उसके पास रिक्वेस्ट पहुंची नहीं है तो वो रिप्लाई नहीं कर सकता। तो अभी तक रिक्वेस्ट बर्प के पास है, मैं बर्प में आके अगर चेक करता हूँ कि प्रॉक्सी वाला जो टैब था वहां पे ही मेरे को ये रिक्वेस्ट दिख रही है। ये किस चीज की रिक्वेस्ट है, जो हमने अभी लॉगिन पे क्लिक किया तो जो ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर तक, ये वो रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट ब्राउजर से निकल के बर्प के पास आई, बर्प के पास आके यहाँ पे हमें दिख रही है। अब ये क्या है, गेट रिक्वेस्ट है, डीबीडब्ल्यू वल्नरेबिलिटीज रूट यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन, यहाँ पे यूजर नेम पैरामीटर पास हो रहा है और पासवर्ड इज इक्वल टू जो मैंने रैंडम कुछ भी डाला था। अब मुझे करना क्या है कि पासवर्ड अटैक करना है, तो उसके लिए एक इंट्रूडर नाम का टूल होता है बर्प सूट में, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर रिक्वेस्ट में कहीं भी राइट क्लिक करके सेंड टू इंट्रूडर कर दूंगा उसको, तो इंट्रूडर के पास वो रिक्वेस्ट चली जाएगी। मैं इंटरसेप्ट ऑफ करके इंट्रूडर पे जाता हूँ, तो इंट्रूडर सबसे पहले तो होस्ट और पोर्ट पूछता है, उसके बाद फिर पोजीशन कि मतलब कहाँ पे अटैक करना है, अटैक एज इन कि कौन सा ऐसा पैरामीटर है, कौन सी वैल्यू है जो हम यहाँ पे क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको जितनी वैल्यूज दिखती हैं वो पहले तो सारी हाईलाइट कर देता है। सारी तो हमें करनी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि अब मुझे उसको वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, इसने बाय डिफॉल्ट कितनी एडमिन पासवर्ड लॉगिन ये जितनी वैल्यूज हैं कुकी वैल्यूज भी सारी उसने हाईलाइट कर दी, तो पहले तो क्लियर करना पड़ेगा इसको, और जो पासवर्ड वाला पैरामीटर है उसी को हमें सिर्फ अटैक करना है, तो उसको सिलेक्ट उसमें जो वैल्यू है वो सिलेक्ट करके एड पेलोड मार्कर सिलेक्ट कर दिया, तो सिर्फ पासवर्ड ही हमें क्रैक करना है, बाकी वैल्यू नहीं करनी। अब पेलोड्स पे आते हैं कि मतलब जैसे डिक्शनरी अटैक कर रहे हैं, तो डिक्शनरी अटैक में जो वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई की जाती है, जो वैल्यूज दी जाती हैं टूल को, वो वैल्यूज अब मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है, पेलोड स्पेसिफाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, कि पेलोड लोड करता हूँ, लोड पे क्लिक करता हूँ, जो वर्ड लिस्ट है ये सारी वर्ड लिस्ट है, उसमें से फास्ट ट्रैक डॉट टी एक्स लेते हैं, छोटी वर्ड लिस्ट है, रॉक लेने को तो रॉक क्यू भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे अब मेरे को पता है फास्ट ट्रैक में है इस वाला जो पासवर्ड है, तो उसमें से उसने सारी वैल्यूज उठा ली वर्ड लिस्ट में से, और हम करते हैं स्टार्ट अटैक। ठीक है, हमने कंफिगर कर लिया, एक इस तरह से वार्निंग दिखाते हैं, कम्युनिटी एडिशन ऑफ बर्प सूट कंटेन्स अ डेमो वर्जन ऑफ इंट्रूडर, तो थोड़े अटैक्स स्लो होते हैं उसमें। फिर भी ठीक है, मैं तो उतना भी स्लो नहीं है। अब क्या है कि मैं कोई भी इसमें से उठा के देखता हूँ कि क्या था इसमें, रिस्पांस क्या आया। ठीक है, ये रिक्वेस्ट थी, इसमें पासवर्ड क्या था, स्प्रिंग 2016, पेलोड ये था, और इस केस में रिस्पॉन्स क्या आया है, यूजर नेम एंड और वो पासवर्ड इनकरेक्ट, और इस रिस्पॉन्स की मैं लेंथ देख लूंगा, लेंथ क्या है 4882 इस वाले की, और बाकी सब की भी जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे उतना ही है। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला यहाँ पे कि अगर पासवर्ड इनकरेक्ट है तो जो रिस्पॉन्स है उसकी लेंथ 4882 है। डेफिनेटली अगर पासवर्ड करेक्ट होगा तो रिस्पॉन्स की लेंथ अलग होगी, या तो ज़्यादा लंबा होगा या ज़्यादा छोटा होगा, एग्जैक्ट सेम साइज का तो नहीं होगा इन केस ऑफ अ करेक्ट पासवर्ड। तो जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसमें
लेंथ जहाँ डिफरेंट दिखेगी उसको हम कंसिडर करेंगे टू बी द पासवर्ड। तो अभी चल रहा है अटैक, ठीक है, तो थोड़े टाइम्स को चलने देते हैं, लेट्स सी उसके बाद। सर हाँ बोलो। सर मैं प्रॉक्सी पे गया हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूज बर्प एम्बेडेड ब्राउजर और उसके नीचे यूजिंग बर्प प्रॉक्सी, तो इनमें कौन से पे जाना है? प्रॉक्सी में अब जब कोई रिक्वेस्ट कैप्चर होगी ना, सिंपली तुम प्रॉक्सी में इंटरसेप्ट ऑन करके रखो रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करने, बाकी ऑप्शन छोड़ दो। प्रॉक्सी पे चला गया और उस पे इंटरसेप्ट पे, इंटरसेप्ट ऑन है बट वो कुछ आ ही नहीं रहा उस पे। ब्राउजर में कॉन्फ़िगर किया उसको बर्प यूज करने के लिए, हाँ कोई रिक्वेस्ट भेजो कुछ ब्राउज करो कहीं। सर कर लिया बट वो कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं कुछ पहले सेलेक्ट करने के लिए। दिखाओ स्क्रीन शेयर करो। सर फोन से कर रहा हूँ तो उससे चल जाएगा? फोन से? अच्छा तो फोन से तो तुम वही कर सकते हो, बस क्या बोलते हैं वीडियो ले सकते हो फोन से। तो वीडियो कर देता हूँ सर। कर रहे हो शेयर? सर एक सेकंड मैं लैपटॉप से ही कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ तो इंटरसेप्ट ऑन किया है। ओके जाओ ब्राउजर में। ब्राउजर को तो बोलो कि बर्प यूज करना है, उसमें तो तुमने कुछ सेलेक्ट किया नहीं ऑप्शन बर्प का। अरे कर दिया सर यहाँ पर। उसको सिलेक्ट भी तो करो, अब करके देखो। ठीक है रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई।
हाँ सर आ गई। अब इस रिक्वेस्ट में चाहो तो कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, कोई भी वैल्यू चेंज करके भेज सकते हो उसको, मतलब यू कैन मेक एनी चेंजेस यू वांट। ठीक है, यू कैन मतलब बेसिकली वर्ब में रिक्वेस्ट को हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड अटैक्स के लिए लेकिन इंट्रूडर जो टूल है उसको यूज किया जाता है। सर पेलोड कहाँ से लाऊं मैं? पेलोड, एक सेकेंड, जो वर्ड लिस्ट होती है ना उसमें, जैसे जो बाय डिफॉल्ट वर्ड लिस्ट आती है, काली में जाओ, लोड में जाओ वापस से, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट डायरेक्टरी में होती है। नहीं, ये तो तुम यूजर के डायरेक्टरीज देख रहे हो। जाओ यूजर में, यूएसआर जो डायरेक्टरी है। हाँ हाँ जाओ उसमें, फिर शेयर उसके अंदर। और इसमें वर्डलिस्ट नाम की डायरेक्टरी है, ये वाली। ठीक है, तो इसमें वर्ड लिस्ट है, तो मैंने फास्ट ट्रैक डॉट टी एक्स टी जो वर्ड लिस्ट है वो यूज किया यहाँ पे। ठीक ठीक है, कुछ और हो क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। तो अपन यहाँ पे थे, ये अटैक चल रहा था। अब मैंने बात करी थी लेंथ की लेंथ डिफरेंट होगी, तो लेंथ के हिसाब से सॉर्ट करके देखते हैं कॉलम में। हो सकता है अगर कुछ चेंज हुआ हो लेंथ में अभी तक, अगर पासवर्ड यूज हुआ हो कहीं पर। अच्छा, अब ये देखो, ये एक रिक्वेस्ट जो थी उसके रिस्पांस की लेंथ अलग है, 4944 है, डिफरेंट है। तो यहाँ पेलोड क्या था? पासवर्ड। ठीक है, इस केस में रिस्पांस क्या आया है? वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया एडमिन, मतलब दिस इज द करेक्ट पासवर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड डालता हूँ इस तरह से, तो वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया करके आ जाएगा। तो वर्ब सूट को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं वेबसाइट्स पे ब्रूट फोर्स करने के लिए। फिर और देखते हैं वल्नरेबिलिटीज।
अच्छा नेक्स्ट इज कमांड एग्जीक्यूशन। कमांड एग्जीक्यूशन या इसको कमांड इंजेक्शन भी कहते हैं। अच्छा मैं ये वॉल्यूबिलिटी यहाँ पे दिखाऊँ, उससे पहले देयर इज वन मोर थिंग। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई कमांड चलाते हैं जैसे ls लिखा, इंटर कर दिया, उसका आउटपुट आया। pwd लिखा, इंटर कर दिया, आउटपुट आ गया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन में एक कमांड डाल के उसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक लाइन में मल्टीपल कमांड्स डाल के सबको एक साथ चलवाऊं? कि मतलब एक ही साथ मैंने कई सारे कमांड्स लिख दिए और वो फिर मैंने इंटर किया तो एक साथ एग्जीक्यूट हो गए, ऐसा हो सकता है क्या? क्या लगता है? कोई गेस ट्राई किया किसने ये चीज करी? सर सेमी कॉलन के, हाँ सर सेमी कॉलन एक लगा साथ के सर सेमी कॉलन लगा के सर कमांड कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको, उस चीज को अपन कहते हैं कमांड चेनिंग, कि एक ही लाइन में मल्टीपल कमांड्स लिख दिए फिर एंटर किया एंड सिंपली वहां पे सारे कमांड्स का जो आउटपुट है एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। नहीं ट्राई किया ये चीज, तो एक बार मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ सिंपल। इसमें मल्टीपल कमांड एक लाइन में लिखना, जैसे मान लो ls सेमी कोलन pwd फिर सेमी कोलन मान लो whoami भी लिख दिया, ये सारे चला दिए कमांड्स। तो देखो सबसे पहले आउटपुट आया ls का, उसके बाद आउटपुट आया pwd का, उसके बाद आउटपुट आया whoami का। फिर सारे कमांड्स का आउटपुट जो है अलग अलग करके आ गया, तुमने तो एक ही लाइन में लिख दिए सारे सेमी कोलन की मदद से। दूसरा भी तरीका है ls डबल एम्परसैंड मतलब एंड pwd फिर एंड whoami। यहाँ पे भी देखो तीनों चल गए ls pwd। ये तो मैंने मतलब ये तीन कमांड्स लिए, कोई भी कमांड हो, इस तरह से कमांड चेनिंग की जा सकती है। और ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि मतलब एक लाइन में हम कितने कमांड्स डाल सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हेलो इसने क्या दिया है, पिंग फॉर फ्री। अच्छा एंटर एन आईपी एड्रेस बिलो। सर हाँ बोलो। सर जो आपने ब्रूट फोर्स जो अटैक करके दिखाया, पर ये सर लोकल होस्ट में है, अगर सर हम किसी पार्टिकुलर वेबसाइट को अटैक करना चाहते तो कैसे करेंगे? तो भी सेम प्रोसेस रहेगा, तो सर उसमें इसका यूआरएल कैसे आएगा सर? इसमें तो हमने लोकल होस्ट पे कर रखा है सर। यूआरएल तो तुम जो बर्प में रिक्वेस्ट कैप्चर करोगे वो यूआरएल होगा ना। अब यहाँ पे इन दिस केस ये जैसे यूआरएल है, तो जिस वेबसाइट पर जाओगे जब रिक्वेस्ट कैप्चर करोगे, से मान लो मैंने ये वाली इस पेज पे कोई रिक्वेस्ट भेजी, से ये पेज लोड करने के लिए जो रिक्वेस्ट थी वो दोबारा से कैप्चर करी मैंने, रिफ्रेश किया इसको, ये रिक्वेस्ट आ गई, तो यूआरएल तो यहीं से मिल जाएगा। नहीं सर ये यूआरएल तो मिल जाएगा, मेरा कहने वाला सही है, जैसे आप कोई हमें अदर वेबसाइट लेना चाहते हैं जो ऑलरेडी हाँ गूगल। हेलो क्या बोल रहे हो? हेलो
हेलो हाँ बोलो। सर, जैसे हम कोई अदर वेबसाइट पर अटैक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे, मतलब प्रोसेस तो सेम ही रहेगा ना। सर प्रोसेस तो सेम रहेगा, आई नो सर, बट हम इसको एक्सेस नहीं, तो वो आज हमने पासवर्ड मांग रहा है मुझसे, तो हमने पासवर्ड अटैक कर लिया। बट सर कोई अदर वेबसाइट है तो मैं उस पर सर यूआरएल, उसका यूआरएल मिला है सर मुझे, मान लीजिए मेरी वेबसाइट है एक, तो सर मुझे उसका पासवर्ड तो ऑलरेडी पता है, लेकिन उसमें कमियाँ कैसे पता लगाएंगे पहले? अगर तुम इस तरह से ब्रूट फोर्स अटैक कर पा रहे हो, वो अपने आप में एक वल्नरेबिलिटी है ना। कमी तो वही है कि वो अटैक कर पा रहे हो तुम वहां पे। फिर सर कोई आप एक एक और शायद हो एक साइड। एग्जांपल दे दीजिए, कोई नहीं, अदर वेबसाइट एग्जांपल दे दीजिए सर लाइव प्रैक्टिकली। वेबसाइट्स पे हम लोग नहीं करेंगे कुछ भी प्रैक्टिकल। तो परमिशन सर थोड़ी होती है लाइव पेनिट्रेशन वेबसाइट टेस्टिंग, टेस्ट करने की। यस सर। लाइव वेबसाइट्स टेस्ट करने की परमिशन थोड़ी होती है तुम्हारे पास। सर लाइव नहीं कर सकते, बट सेल्फी तो कर सकते हैं। नहीं, सेल्फ तो चलो ठीक है, कर सकते हो। तो सर मतलब प्रैक्टिकली सर कैसे पता लगेगा सर? हमें हमसे हम ट्राई कर रहे हैं, हमें सो ही नहीं पा रहे सर क्या नहीं हो पा रहा? प्रैक्टिकली। सो इसके लाइफ सर, वो लोकल हॉस्ट तो कर दे रहे हैं, हम लोकल हॉस्ट हो जा रहे हैं, इस पर नहीं हो पा रहा है किस चीज पे ट्राई कर रहे हो सर। मैं एक मतलब? वेबसाइट कर रहा हूँ सर, मेरी सेल की वेबसाइट है, तो हाँ सर मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन सर मुझे ये सब यहाँ पे ये DVDW चला रहा हूँ मैं, तो ये तो सर लोकल हॉस्ट पे चला रहा हूँ मैं से, हाँ लेकिन सर मैं कोई दूसरी वेबसाइट खोलता हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट पे जाती है, उससे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता हूँ उसकी लिंक में, हाँ देन वो ओपन होती है। लेकिन सर जब मैं ओपन से फॉरवर्ड नहीं करूंगा तो ओपन नहीं होती, लेकिन जब फॉरवर्ड करता हूँ तो उसमें कमी कहाँ से पता लगा सकता हूँ उसमें, मैं उस पर अटैक कैसे करूंगा? यार, अब ये अभी तक तो हमने सिर्फ ब्रूट फोर्स वाली बात देखी है। तो अगर उसमें ये वल्नरेबिलिटी है कि ब्रूट फोर्स करने दे रही है वेबसाइट, तो इस तरह का अटैक चल जाएगा। अगर वेबसाइट सिक्योर होगी इसके अगेंस्ट, सर लाइक सर HTTP वेबसाइट है, तब तो सर आर नॉर्मली कर सकते हैं, हाँ तो सर कैसे करेंगे सर? प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा ना मुझसे। स्टार्टिंग ऐसा तो स्टार्टिंग मुझे बता दीजिए एक बार किसी वेबसाइट से। स्टार्टिंग तो वही है, वेबसाइट पे गए, जैसे इस पे गए DBW पे, ठीक है, जो लॉगिन पेज है। अब जैसे यहाँ पे ब्रूट फोर्स के नाम से है, तो लॉगिन पेज पे गए, कुछ टेक्स्ट डाला यहाँ पे रैंडम से, कुछ भी टेक्स्ट डाला, ठीक है, बर्प और सेटिंग ऑन कर रखी है उसकी, इंटरसेप्ट यहाँ पे ऑन किया, क्लिक किया लॉगिन वाला जो भी बटन है उस पर, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई बर्प में तुम्हारे। अब पासवर्ड क्रैकिंग के लिए तो उसको इंट्रूडर के पास भेजोगे, राइट क्लिक करके सेंड टू इंट्रूडर। इंट्रूडर में जब वो आएगी तो तुम फिर उसको कॉन्फ़िगर करोगे अटैक को, कि पेलोड क्या यूज़ करना है, किस पैरामीटर को अटैक करना है, फिर तुम आगे कर सकते हो अटैक। सर ये तो मैं ठीक है, लेकिन सर जब ये मैं आपने डाला उस पर कुछ भी डाल दिया आपने, लेकिन हाँ वो एडमिन जहाँ पे एडमिन मांग डालते हैं हम लोग, हाँ तो सर उसमें हम यूआरएल डाल सकते हैं? वहाँ तो यूजर नेम है ना, URL कहाँ से आएगा, तो यूजर नेम क्यों आएगा ना। तो सर हम एक हमारे पार्टिकुलर वेबसाइट पर अटैक करना चाह रहे हैं, इसमें तो हमें ये पता नहीं पता लग पा रहा है कि वेबसाइट कौन सी है। वेबसाइट कौन सी है यार? वो तो जिस भी वेबसाइट को तुम टेस्ट कर रहे हो उस पे करोगे ना यार, ऐसे थोड़ी कोई भी वेबसाइट उठा के शुरू हो जाओगे। सर ऐसे नहीं हो जाएंगे, शुरू हमें पार्टिकुलर वेबसाइट का नाम पता होगा सर, हाँ तो सर जहाँ पे यूजर यूजर मांग रहा है वहां पे हम पास वो वेबसाइट का नाम डालेंगे। यहाँ पे यूजर नेम डाल रहे हैं, वहाँ वेबसाइट का नाम क्यों डालोगे? वो तो तुम जो अटैक कर रहे हो, या तो वर्डलेस दोगे वहाँ पे, यूजर नेम के लिए भी वर्डलेस दोगे। अगर तुम्हें पहले से पता है कोई यूजर नेम तो वो यूज कर लो, अदरवाइज उसके लिए भी वर्ड लिस्ट फिर दे सकते हो। सर आपने अभी ये निकाला, अभी ये अटैक किया, तो सर ये किसका है ये? ये जो एडमिन यूजर है उसका हमने पासवर्ड क्रैक किया यहाँ पे इस वेबसाइट के लिए, DBWA के लिए। ओके सर, कमांड एग्जीक्यूशन पे आते हैं, तो ठीक है, कमांड चेनिंग मैंने बताई, और उसको यूज कैसे करते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है, पिंग फॉर फ्री एंटर एन आईपी एड्रेस बिलो, ठीक है, चलो मैं अपना आईपी डाल के देखता हूँ। तो क्या हो रहा है, मैंने अपना आईपी डाला,
एंटर किया, सबमिट किया, तो यहाँ आउटपुट किस चीज का दिख रहा है, पिंग कमांड का, कि पिंग कमांड जब चलाते हो तो इसी तरह से आउटपुट आता है, पिंग जो भी आईपी या डोमेन नेम तुमने दिया है उसके लिए इस तरह से आउटपुट दिखाता है वो। तो मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है कि जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ उसको, वो उसको सीधा सीधा पिंग कमांड के आगे लगा रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है उसको। तो देखते हैं क्या कुछ और एक्सेप्ट करता है ये। मतलब मान लो कि आईपी तो दिया, ठीक है, ये 10.0.2.16 दिया, साथ में ये एंड ऑपरेटर लगा के एलएस और पीडब्ल्यूडी भी दे दिया। अब सबमिट किया, देखते हैं क्या होता है। तो पिंग का आउटपुट आने के बाद एलएस का आउटपुट भी आया और ये पीडब्ल्यूडी का आउटपुट भी आया। मतलब कि इस वेबसाइट में ये जो कमांड इंजेक्शन है ये वाली वल्नरेबिलिटी है। कमांड इंजेक्शन या कमांड एग्जीक्यूशन जो भी बोलना चाहो, ये अगर वल्नरेबिलिटी है मतलब कि तुम बेसिकली कोई भी कमांड खुद से वहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो। यहाँ बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि पिंग कमांड उसने लिया हुआ है और जो भी तुम इनपुट दे रहे हो उसको वो पिंग कमांड के आगे लगा रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है। तो पिंग जैसे आईपी दिया, पिंग 10.0.2.15, उस आईपी के साथ मैंने एंड एलएस एंड पीडब्ल्यूडी कर दिया, तो वो भी सारा एक ही लाइन में उसने एग्जीक्यूट कर दिया, पिंग के आगे सिंपली उस वैल्यू को लगा दिया और एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये कमांड का आउटपुट मिल गया उसमें। अगर मैं कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ तो मैं कुछ भी कमांड चला सकता हूँ। कैट, मान लो मैं पासवर्ड फाइल देखने की कोशिश कर सकता हूँ, etc पासवर्ड, एक्चुअली स्पेलिंग गड़बड़ है। और ls, pwd, cd, कमांड कोई भी कमांड हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं सिस्टम का। तो बेसिकली एक तरह से ये ऐसे हो गया कि मेरे को इस सिस्टम पे जैसे मान लो शेल मिला हुआ है, ठीक है, टर्मिनल एक्सेस मिला हुआ अगर मेरे को सिस्टम पे, तो वैसी सिचुएशन यहाँ पे हो गई। मुझे टर्मिनल एक्सेस मिला और मैं अब कोई भी कमांड वहां पे चलवा सकता हूँ, एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ सिस्टम से। इस चीज को कहते हैं कमांड इंजेक्शन। अब इसमें हमने सेमी कोलन यूज किया, एंड यूज किया, दोनों काम करते हैं। इसको अगर ये जो इनपुट फील्ड है इसमें से इनपुट जो भी जा रहा है अगर उसको फिल्टर किया जाए कि पहले उसमें से एंड निकालो या सेमी कोलन इस तरह के कैरेक्टर्स निकालो, तो ये चीज काम नहीं करेगी यहाँ पे। बट क्योंकि ऐसी कोई फिल्टरिंग नहीं है इसलिए ये वल्नरेबल है। फिर आते हैं इस पे, CSRF बाद में देखते हैं, पहले आते हैं अपलोड पे। अपलोड से पहले ये देख लो इंक्लूजन। फाइल इंक्लूजन में इसका जो URL है उस पर ध्यान दो। URL में एक एंड में पैरामीटर यूज हो रहा है। क्या पैरामीटर है कि ये पेज पैरामीटर जो है
इज इक्वल टू इंक्लूड डॉट पीएचपी। ये पैरामीटर वैल्यू का ले रहा है, कोई वेब पेज है इंक्लूड डॉट पीएचपी, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, टू इंक्लूड अ फाइल एडिट द पेज इज इक्वल टू इंडेक्स डॉट पीएचपी इन द यूआरएल टू डिटरमिन व्हिच फाइल इज इंक्लूडेड। इस तरह से अगर कोई पैरामीटर होता है जो किसी फाइल नेम को स्पेसिफाई करता है जो वेब पेज में इंक्लूड हो जाए, और मैं इसको अगर चेंज कर पाऊँ, तो उस वल्नरेबिलिटी को हम कहेंगे फाइल इंक्लूजन। लेट्स से कि इंक्लूड डॉट पी एच पी, अब ये क्या है इंक्लूड डॉट पी एच पी, क्या है कोई वेब पेज है, पी एच पी पेज है जो इस सर्वर पे इस डायरेक्टरी के अंदर होगा db://vulnerability.fi करके, तो इस डायरेक्टरी के अंदर ये वेब पेज है इंक्लूड डॉट पी एच पी। अब मान लो मैं इसकी जगह सिस्टम पे कोई दूसरा पेज उठा लूँ, कोई दूसरी फाइल उठा लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन पासपोर्ट फाइल ले लो, या कोई ऐसी फाइल जो मुझे लोकेशन पता हो जिसकी, तो अब यहाँ पे मैंने इतनी बार ये क्यों किया डॉट डॉट स्लैश, क्योंकि अब मुझे क्या है ये नहीं पता सर्वर में कौन सी डायरेक्टरी पे वो पेज उठा रहा है इंक्लूड डॉट पी एच पी। ठीक है db://vulnerability.fi तो ठीक है, और उसके ऊपर और कितनी डायरेक्टरी है हमें नहीं पता। हम आना चाहते हैं मेन डायरेक्टरी पे, तो डॉट डॉट स्लैश से क्या करते हैं पेरेंट डायरेक्टरी पे जाते हैं। तो इतने इतनी बार इसको डालने का मीनिंग यही है कि हम एक बार किस इनकी मदद से पेरेंट डायरेक्टरी पे आ जाएं, वहां से फिर कहाँ जाएं अब etc पासवर्ड। तो यहाँ क्या देख रहे हो कि ये जो etc पासवर्ड है, जो पासवर्ड फाइल है किसकी, वेब सर्वर की, जिसे दूसरे सिस्टम पे होस्टेड है, दूसरी वीएम पे होस्टेड है, उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो उस सिस्टम की पासवर्ड फाइल देख पा रहा हूँ मैं। इस चीज को कहते हैं लोकल फाइल इंक्लूजन, कि वेब सर्वर पे ही हमने कोई लोकल फाइल उठाई और उसको देख लिया। एक होता है रिमोट फाइल इंक्लूजन, कि यहाँ पे अगर पेज इज इक्वल टू करके और कोई वेब पेज डाल दिया जैसे http और मान लो google.com दे दिया, अब यहाँ ये लोड नहीं कर रहा है उसको, ठीक है, तो यहाँ पर रिमोट फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी नहीं है। बट अगर ये करने पे तो हमें यहाँ पे गूगल का डेटा दिखता है इस पेज के अंदर, गूगल का जो पेज है वो दिखता, तो इसका मतलब कि रिमोट फाइल इंक्लूजन यहाँ पे पॉसिबल होता, वो वल्नरेबिलिटी होती, रिमोट फाइल इंक्लूजन या RFI। दोनों ही जो है LFI और RFI दोनों फाइल इंक्लूजन के अंडर आते हैं। लोकल फाइल इंक्लूजन है LFI और RFI इज रिमोट फाइल इंक्लूजन। अब रिमोट फाइल इंक्लूजन में क्या हो सकता है कि अटैकर जैसे अपनी कोई मैलिशियस वेबसाइट बना के उसको लोड करवा देंगे पेज में, इस लिंक में, अगर ये लिंक किसी को दे देते हैं तो फिर अब उस वेबसाइट में, मैलिशियस वेबसाइट पे हो सकता है कुछ मैलवेयर उन्होंने होस्ट किया हो या कुछ फिशिंग लिंक्स होस्ट किया, तो यूज़र को अगर वो डेटा दिखेगा, अगर इस तरह से उनको मिलती है RFI वल्नरेबिलिटी, तो वो टारगेट कर सकते हैं लोगों को। तो ये होती है फाइल इंक्लूजन।
आते हैं अपलोड पे। अब फाइल अपलोड में क्या होता है, जैसे बहुत सी वेबसाइट्स में काफ़ी जगह ऐसा होता है, अपने को कोई फाइल अपलोड करनी है, अब कोई इमेज अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो इस तरह से दिखाई देता है वहाँ पे एक ब्राउज बटन और एक अपलोड बटन। ब्राउज मतलब कोई फाइल सिलेक्ट करके तुम फिर अपलोड पे क्लिक करोगे, वो फाइल अपलोड हो जाएगी। अब इसने क्या कहा है, चूज एन इमेज टू अपलोड। तो चूज एन इमेज टू अपलोड में क्या होना चाहिए कि सिर्फ कोई इमेज अगर तुम सिलेक्ट करते हो तो वही अपलोड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि मैं कोई दूसरे तरह की फाइल डाल दूं जो इमेज नहीं हो, ट्राई करते हैं। ये कहा तो इन्होंने सिर्फ इमेज के लिए ही है। ठीक है, ये खोला, कोई टेक्स्ट फाइल डाली है, लेट्स से users.txt, तो क्या ये अपलोड होती है? तो बस टेक्स्ट फाइल है, इमेज फाइल तो है नहीं, तो अपलोड होनी तो नहीं चाहिए। कैन ट्राई करते हैं, अपलोड पे क्लिक किया तो ओके, क्या कह रहा है ये, सक्सेसफुली अपलोडेड, और कहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं वो भी बता रहा है। ठीक है, अक्सर ऐसा यूजली होता है ऐसा कि कोई फाइल अपलोड करते हो, वेबसाइट उसका तुम्हें लिंक दे दी है कि यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसको एक्सेस करके देखते हैं, ये कॉपी किया, अब तो ये users.txt की जो फाइल है ये क्या है, जो मैंने सर्वर पे अपलोड की है उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ आराम से। तो इसमें क्या मैलिशियस किया जा सकता है, कोई मतलब अटैकर्स क्या गड़बड़ कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ बता सकते हो? सर हाँ सर इसमें अटैकर बाई चांस ऐसे करता है, अपने कोई लिंक क्रिएट कर देता है या अपना कोई इमेज क्रिएट कर देता है, जिससे यूजर होता है अदर वेबसाइट पे रीराइट रीराइट हो जाता है, उससे मलेशियस लिंक होती है। नहीं, फाइल अपलोड वाली जो वल्नरेबिलिटी है यूजली उसमें हम किसी यूजर को टारगेट नहीं करते, हम या जो भी अटैकर है जो भी है वो वेब सर्वर को, वेबसाइट को हैक करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो क्या करेगा कि कुछ मेलिशियस फाइल ऐसी डाल देगा, वेब शेल डाल देगा कोई, जिससे कि वो सर्वर पे कंट्रोल कर मिल जाएगा उसको। तो यहाँ पे एक, अब ये वेबसाइट क्या है, PHP में बनी हुई है, एक PHP वेब शेल है मेरे पास, b374k.php, उसको अपलोड करके देखते हैं क्या होता है। दोबारा से वो कह रहा है सक्सेसफुली अपलोडेड, तो अब क्या ये भी PHP कोड है, तो सर्वर उसको एग्जीक्यूट कर लेगा बिकॉज PHP में चल रहा है सब कुछ। उसने एग्जीक्यूट किया तो अब ये एक पासवर्ड मांगता है जो सिंपली यही है, b374k। ये जो पर्टिकुलर मैंने वेब शेल यूज किया है ये तुम्हें गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है PHP
वेब शेल विद हैंडी फीचर्स, यहाँ से आके ले सकते हो B374 के, ठीक है। उन्होंने इसी में बताया हुआ है इसका जो पासवर्ड है B374 के, डिफॉल्ट पासवर्ड। ये पासवर्ड एंटर किया तो अब इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो एक्सेस कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो क्या है, फाइल एक्सप्लोरर है, क्या क्या फाइल्स हैं इस डायरेक्टरी में, कौन सी डायरेक्टरी में, अपलोड्स वाली डायरेक्टरी में, वो दिखा रहा है, ठीक है। पीएस मैं प्रोसेस लिस्ट भी देख सकता हूँ, ये वेब सर्वर की है, ये वेब सर्वर की प्रोसेस लिस्ट देख सकता हूँ मैं। पीवाल मतलब अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवानी है, पीएचपी, पाइथन, सी, रूबी या जावा की, तो मैं एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। फिर इन्फो मतलब सर्वर की इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, सर्वर इन्फो, सीपीयू इन्फो, मेमोरी इन्फो, सारी किसकी, वेब सर्वर के लिए। फिर डेटाबेस अगर कोई कनेक्शन करना है वो किया जा सकता है। रिमोट शेल, अगर रिमोट शेल कोई लेना हो तो सिंपली वो ये जो B374 के वेब शेल है इसकी मदद से हम टर्मिनल एक्सेस ले सकते हैं पूरे सिस्टम का। फिर जैसे यहाँ एक्सप्लोरर में आए, DBW वाले, उस पे गए, इसका जो इंडेक्स डॉट पी एच पी, उसको मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। क्या है, वेलकम टू डैम वल्नरेबल वेब ऐप। अगर मैं इसको चेंज करके अपने हाँ क्लिक दूँ और सेव कर दूँ इसको, तो अगर मैं DBW पे जाता हूँ, ये जो मैंने लिखा था ये चीज सकती, मतलब कोई भी मैं यहाँ पे फाइल वगैरह चेंज कर सकता हूँ आराम से, रिमोट एक्सेस मिल सकता है सिस्टम का। तो मतलब ये जो फाइल अपलोड वाली वल्नरेबिलिटी है, अगर ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है साइट में कि मैं कोई भी फाइल अपलोड कर पा रहा हूँ, किसी भी तरह की फाइल अपलोड कर पा रहा हूँ, तो उस फाइल की मदद से फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो एक्चुअली सिर्फ इमेजेस अपलोड कर होनी चाहिए थी, पर क्या हो रहा है कि कोई भी तरह की फाइल अपलोड हो रही है। ठीक है, तो अभी तक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट अगर है तो पूछ लो। नहीं सर, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हुई थी कि मैं DW है वो पूरा क्लोन तो कर लिया मैंने, लेकिन वो डाउनलोड नहीं कर पाया, तो मैं ये प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा सर। डाउनलोड नहीं कर पा रहे, गिट क्लोन कर लिया, डाउनलोड नहीं कर पा रहे क्या? हाँ सर, उसके बाद का प्रोसेस मुझे समझ में नहीं आया कि आगे क्या करना है। क्लोन तो उसमें आपने, क्योंकि उस पेज पे आपने जो पेज फॉलो करने कहा था ना कि इस पेज के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके क्लोन कर लेना, तो हाँ मैंने क्लोन तो कर लिया, तो क्लोन तो हो गया था। उसके बाद आगे का प्रोसेस उस पेज में जो लिखा हुआ था वो कर रहा था, तो वो हो नहीं रहा था। दिखाओ क्या दिक्कत आ फिर रही है। उसके बाद क्लास की गैपिंग भी आ गई, तो फिर
पता ही नहीं चला। नहीं ट्राई किया कैसे उतने टाइम में, फिर दोबारा नहीं ट्राई किया? नहीं सर। अच्छा दिखा दो एक बार क्या इशू आ रहा है। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे कौन सी फाइल में गई होगी जो मैंने क्लोन किया था वो? तुमने कौन सी डायरेक्टरी में क्लोन किया था? उस डायरेक्टरी में देखो। वो तो डिफॉल्ट डायरेक्टरी थी सर जहाँ क्लोन होता है सारा, मैंने कुछ चेंज नहीं किया था। तुम्हारी यूजर डायरेक्टरी होगी फिर जाओ उसमें। तो इसमें कौन सी फाइल पे जाते हैं? टर्मिनल यूज करो ना। एलएस करो सर। करो यहाँ पे एक ये फोल्डर है डीबीडब्ल्यू वाला तो ये तो तुम्हारा। डाउनलोड्स में डीबीडब्ल्यू दिखा तो रहा है, मतलब ये हो गया है डाउनलोड। हाँ तो इसको खोलू फिर कैसे सर? डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी में कैसे जाते हैं? सीडी हो गया। हैंग हो गया? क्या हुआ? रिसोर्सेस कम दिए हैं क्या इसको? ये तो हैंग हो गया सर, रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। रिस्पॉन्ड कर रहा है, बंद करना पड़ेगा उसे। डिलीट नहीं हो रहा, टैब हो रहा है। क्या हो रहा? बैकस्पेस नहीं हो रहा? हो तो रहा है। सर इतना तो मैंने कर दिया, इसके आगे मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर। सीडी करने के बाद क्या उसमें दिया? क्या हुआ? क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? सर नेक्स्ट स्टेप तो जो भी दे रहा था वो हो नहीं पा रहा था सर। दिक्कत क्या आ रही है? नहीं हो पा रहा तो उसका कोई रीजन है? क्यों नहीं हो पा रहा? रीजन बताओ क्या है। सर कोई एक यहाँ पे एक फेटल इशू करके आ रहा था। फेटल इशू आ रहा है? किस पॉइंट पे आता है वो? ठीक है सर, मैं एक बार दोबारा फिर से ट्राई करूंगा। तो जैसे ये डाउनलोड्स हो गया है तो अब तो मुझे दोबारा क्लोन करने की जरूरत नहीं है ना, उसके आगे वाले स्टेप से फॉरवर्ड करूंगा उसके ना। आगे वाला ही करो। बार बार ठीक है डाउनलोड सर, करने मैं का करता हूँ क्या दोबारा। मतलब है? चेक ठीक है सर, मैं करके दोबारा देखो ट्राई तो करता हूँ, फिर कोई दिक्कत होगी तो पूछ लूंगा आपसे। पूछ लेना। बिल्कुल बिल्कुल। सर हाँ बोलो आगे। सर ये मैं कमांड वो एग्जीक्यूशन वाला देख रहा था सर, इसमें मैं करता रहा हूँ वो आईपी एड्रेस डाल के फिर सेमी कॉलन लगा के एलएस, लेकिन ये एरर दे देता है क्या यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड आईपी। यू एंटर्ड एन इनवैलिड आईपी? वो डीबीडब्ल्यू का जो सिक्योरिटी लेवल है तुमने हाईएस्ट सेट किया होगा,
ये चीज हाँ डोप है। इन्होंने एक्चुअली हाई भी दिखाया कि अगर साइट सिक्योर है तो किस तरह से होगा, वो तुम्हें डालने नहीं देगा और कुछ। अच्छा, इसको सर लो कैसे? उसमें जाओ DBWA का जो होम पेज आता है हाँ सर, उसमें नीचे सिक्योर DBWA सिक्योरिटी का एक टैब होगा, नहीं है सर, होम नहीं है? हाँ पेज पे ना सर। तो मैं दिखाता हूँ, ये जो पेज है यहाँ पे ये टैब है DBWA सिक्योरिटी का, हाँ सर, हाँ आ गया, उसमें लो जाके कर। देखो। हाँ सर, हो गया लो। तो इसके आगे अब मैं कल कराता हूँ, फिर भी आज की चल रही है तो मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूँ इसको, कल आगे कराता हूँ मैं इसको DBWA को। सर बोलो। सर, जो आपने सिस्टम हैकिंग कराई थी सर, उस सिस्टम हैकिंग में आपने सर, आपने सिर्फ एक पासवर्ड को मतलब वो इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट करना बताया सर, नेक्स्ट आपने कुछ बताया नहीं उसमें। उस टॉपिक में है ही वो पासवर्ड, उसका नाम उन्होंने उस तरह से दिया हुआ है सिस्टम हैकिंग, मेनली वही है पासवर्ड क्रैकिंग। एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, पासवर्ड को हम डिक्रिप्ट नहीं करते नहीं सर, पासवर्ड क्रैक करते इनक्रिप्ट हैं। ऑलरेडी सर, यस सर, नहीं सर सर, मतलब पेलोड के थ्रू आपने उससे बताया था ना सर, उसमें बैकडोर क्रिएट करना, वो सर हाँ पेलोड के थ्रू बैकडोर क्रिएट करना, अनडिटेक्टेड अनडिटेक्टेबल पेलोड सर, इसमें कुछ पता ही नहीं हम लोगों के लिए सर, क्या नहीं पता? सेल स्क्रिप्टिंग भी नहीं पता हमें सर, कोई पेलोड को सर अनडिटेक्टेबल करना है, एंटीवायरस को तोड़ना है सर, ये तो सर कुछ पता है, बताया नहीं आपने। अनडिटेक्टिव यार, वो फिर काफी एडवांस टॉपिक हो जाते हैं, एथिकल हैकिंग कोर्स में ये सब कुछ नहीं आता। अरे सर ये पार्ट तो सिस्टम हैकिंग का ही है सर, सिस्टम हैकिंग तो उन्होंने जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें जो सिलेबस है वो हमने किया कवर, ठीक है, कि मालवेयर के थ्रू भी जो करते हैं वो सिस्टम हैकिंग ही है और क्या। जैसे बाकी मालवेयर पे सेल स्क्रिप्टिंग का अपने आप, स्क्रिप्टिंग तो क्या प्रोग्रामिंग है, सेल स्क्रिप्टिंग तो अपने आप में फिर वो डिफरेंट लैंग्वेज हो जाती है। सर, ये सिस्टम जो आपने सर पासवर्ड क्रैक करना सिखाया, ये तो सर नॉर्मल सर, ये सर हमारे कोई काम का थोड़ी ना आ रहा सर, को सर हमें कोई थर्ड पर्सन का ऐसा सिस्टम थोड़ा मिल जाएगा छूने के लिए। थर्ड पर्सन का सिस्टम मिल भी सकता है यार, ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलता, फिजिकल अरे सर तुमको मिलेगा सर, मतलब सर एक्सेस सर आपने होता मुझे है एन में कुछ बताया केसेस। सर, एन सर एन मैप के थ्रू सिस्टम को मतलब हैक करना या एक्सेस करना, ये सर तो तो एनमैप के थ्रू डायरेक्ट तुम पासवर्ड थोड़ी मिल जाएगा यार, सर पासवर्ड नहीं मिल जाएगा, प्रोसेस तो पता होने से ट्राई तभी करेंगे सर। एनमैप में हमने क्या क्या देखा था, किस किस तरह की वो थे। सर एन में सर पूरा पोर्ट स्कैन करते सब करना, पूरा कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सर्विस ऑन है, कौन सर्विस क्लोज है, वो सब इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, ठीक है, यस एनमैप सर में। फिर उसमें वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी करते हैं एनमैप में, यस सर, उससे पता चलता है अगर कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है, वो सब भी हमें पता चलती हैं चीज़ें। तो अच्छा एक चीज़ मैं उसमें और दिखा देता हूँ, मेनली वो वैसे स्पोर्ट्स के अंडर नहीं आता, तो एक मैं उसमें और दिखा दूंगा थोड़ा, उसमें तुम्हें मेटास्प्लॉइट के थ्रू वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करना किस तरह से करते हैं वो बता दूंगा। और सर ये सर है, उसके सर थ्रू सर पेलोड अनडिटेक्टेबल हमारी पेलोड नहीं हो पाएगी सर। अनडिटेक्टेबल एक्चुअली यार, पेलोड को अनडिटेक्टेबल करने के ना जो जो तरीके हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, बहुत सर चेंज फ्रीक्वेंटली होते चेंज रहते हैं होते सर, रहते हैं, कल भी बिकॉज चल रहा है सर, लाइक ऐसे डिटेक्शन विंडो को सिस्टम्स भी अपडेट होते रहते हैं। तो हो सकता है जो चीज तुम आज देखोगे वो अगले हफ्ते काम ना करे, इसलिए कोई एक्चुअली सर फुल प्रूफ सारे मेथड कोड सर है नहीं पैथन आज पर के रन डेट होते में। हैं सर, बेसिकली पैथन पर रन होते हैं, बस सर इसका जो प्रोसेस पता होता है सर, ये चेंज होती रहती है, उसके जिस हिसाब से एंटीवायरस चेंज होता है उस हिसाब से सर जो डिटेक्शन होता है वो भी चेंज करते रहते हैं हाँ करते अटैकर, तो ही हैं वो तो। सर हमें प्रोसेस तो पता होनी चाहिए, इसका सर प्रोसेस ही नहीं पता अभी। प्रोसेस तो उसके लिए भी टूल्स हैं, और टूल तुम यूज करके अपना पेलोड टूल को दे दो, वो
सॉफ्टवेयर बंद कर दे तो सर इस पे डिपेंड थोड़ी ना रहेंगे सर। कौन से सॉफ्टवेयर की कह रहे हैं? सर आपने सर गेन समझे कुछ केन समथिंग ऐसे कुछ बताया था कौन सॉफ्टवेयर सा कौन सिस्टम सा? केन। केन? हाँ, केन है। नहीं, सर पेलोड तो सर हम खुद की सेल्फ से बना सकते हैं सर। यार टूल्स तो बिना टूल्स के सारा सारे प्रोग्रामिंग करके खुद टूल्स बनाना चाहते हो, वो तो फिर ऑप्शन वो सर रहता है। प्रोग्रामिंग तो सर वो बात ठीक है सर, वो तो सर हमारी सेल पे डिपेंड है, प्रोग्रामिंग करनी हाँ हम तो हमें सेल्फ से बनाना है। लेकिन सर आपका सर ये दो पेलोड के थ्रू सर पेलोड बनाना या सर एक्सप्लॉइट करना ये तो सर आप बताएंगे सर। पेलोड कैसे बनाते हैं खुद का, वो तो मैंने बताया पेलोड तो मालवेयर बताया उसमें। सर, पेलोड को सर उसके पेलोड सर माइनो सर बताया कि आपने एक इसको पेलोड को सर इंजेक्ट कैसे करना है सर, किसी से अदर सिस्टम में डालना सही तो लोकल हॉस्ट पे सर हम लोग कर सकते हैं आराम से, पर अदर में सर कैसे पहुंचेंगे। अदर में तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, जैसे तुम किसी को लिंक सेंड करोगे, कोई उस लिंक में वो डाउनलोड करेगा, या किसी को ईमेल में अटैचमेंट करके भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे भेजते हो, या अपनी कोई वेबसाइट पे तुमने होस्ट किया हुआ है उसका लिंक दे दिया। सर ट्रोजन यहाँ से पे तो सर हम लोकल होस्ट अपने सिस्टम्स पे करते हैं, क्योंकि अब कोई टारगेट थोड़ी ना है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, तो अपने सिस्टम्स हैं हमारे पास। नहीं सर, जैसे हमारे सर बहुत से काम ऐसे हैं सर, अगर मैं सेल्फ सिस्टम से करता हूँ तो आराम से हो जाता है, अदर सिस्टम करता हूँ बहुत सर काम ही नहीं होते हैं क्या नहीं होता? सर। ये आपने तो पेलोड बताई भी सर, जो हाँ, आपने पेलोड बना के स्माइल पे सिखाई थी सर, मैं अपना सेल्फ सिस्टम सही करता हूँ लोकल हॉस्ट पे तो हो जाता है हैक सर, मैं दूसरा अपना सेल दूसरा सिस्टम हैक करता हूँ नहीं हो पाता सर, क्या होता है उसमें? अच्छा, होता ही नहीं सर एक्सेस नहीं कर पाता, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा स्क्रीन से करके। सर एक्सेस को तुम अगर लोकल नेटवर्क पे कर रहे हो और वो नेटवर्क सेम पे नेटवर्क पे एक्सेसिबल सर नहीं है तो अलग बात है, नहीं हो पाएगा। सेम नेटवर्क पे, सेम यस सर नेटवर्क पे तो होना चाहिए, या होता ही नहीं तो फिर और सर एनजीरो एंड्रॉइड यूज सर वर्चुअल बॉक्स करोगे सर, सर नेटवर्क वर्चुअल का बॉक्स से इशू। एंड्रॉइड भी हैक नहीं होता है हमारा वर्चुअल बॉक्स में क्या? एंड्रॉइड सर, पेलोड बन जाती सर सब कुछ हाँ, इंजेक्ट कर लेते एंड्रॉइड में, वर्चुअल बॉक्स होते नहीं सर, है कि नहीं होता सर एंड्रॉइड फोन। अच्छा एंड्रॉइड मेरे तो अपने सर फोन पे लोकल करके हॉस्ट देख रहे हो, यस सर उसके लिए तो तुम्हें वो एनजीरोक यूज करना ही पड़ेगा। वहां पे मैं दिखाऊंगा माल उसमें, एंड्रॉइड वाले उसमें। नहीं सर, जैसे आपने सिस्टम हैकिंग में वो किया था आपने जो पेलोड बताई थी पेलोड मालवेयर में सर वो, लेकिन सर वो पेलोड जो है मैं अगर वर्चुअल बॉक्स से अपने लोकल हॉस्ट पे विंडो पे एक्सेस करता हूँ तो हो जाता है सर, हाँ, अगर मैं दूसरे सिस्टम पे एक्सेस करता हूँ सर वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा सिस्टम का वर्चुअल बॉक्स में ही है। हाँ, नहीं वो सर वर्चुअल बॉक्स कहाँ पर सर विंडो है, विंडो एक्सेस करेंगे ना सर तो हो नहीं पाती सर। जो दूसरा सिस्टम तो मेरे नहीं हो पा रहा, वो कहाँ पे है? वर्चुअल बॉक्स में या कहीं और है क्या? तो कहाँ पे है सिस्टम? सर हमारे सर सेम नेटवर्क में विंडो है सर, हाँ, तब भी तो एक्सेस नहीं होता था अरे तो तुम्हारा जो मेन सिस्टम है उसकी बात कर रहे हो? सर, मेन सिस्टम में तो हो जाता है एक्सेस हाँ जो कुछ में सर जिसमें सर लाइनिंग चला रहे हैं हम वर्चुअल हाँ बॉक्स चला रहे हैं उसी सर विंडो है उसी एक्सेस हाँ करते हैं इजीली एक्सेस हो जाता है, हाँ पर सेकंड सिस्टम एक्सेस नहीं कर पाते हैं हो ही नहीं पाता सर उससे। वो सेकंड सिस्टम लोकेटेड कहाँ पे है, मैं ये पूछ रहा हूँ। लोकेट वो सर हमारे तुम्हारे यस घर पे कोई दूसरी डिवाइस है क्या? सर है दूसरा डिवाइस है कोई, तो यस सर वो तो वर्चुअल बॉक्स वाले नेटवर्क पे नहीं है ना, वही तो मैंने बोला, वो सेम नेटवर्क पे थोड़ी है, उसके लिए एनजीरो यूज करना पड़ेगा। वो चीज मैं जब मोबाइल हैकिंग बताऊंगा ना, तो उसमें एनजीरो कैसे मेटास्प्लॉइट के साथ यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सेम नेटवर्क के लिए तो तुम्हें डायरेक्ट आईपी पोर्ट डाल दिया, बट डिफरेंट नेटवर्क के लिए एनजीरो जैसा कोई टूल यूज करना पड़ता है। एनजीरो जैसा क्या? एनजीरो की यूज करेंगे अपन। ओके okay. ठीक है।